चलिए आज अपन बात करने वाले एस ब्लॉक के एलिमेंट की कंडक्टिविटी की। यदि कंडक्टिविटी की अपन बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, यदि इन दोनों में आपस में कंपेयर करें तो सेकंड ए ग्रुप की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि सेकंड वाला ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट वाला ग्रुप केवल 1 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है। तो जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा उसमें कंडक्शन उतना ज्यादा होगा। अब जो कंडक्टिविटी होती है वो दो प्रकार के सॉल्वेंट में देखी जाती है, एक पोलर सॉल्वेंट में और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट उनको बोलते हैं जिनका डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, और जिन सॉल्वेंट का डायपोल मूवमेंट जीरो आता है वो होते हैं नॉन पोलर। जिनका डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है वो होते हैं पोलर सॉल्वेंट, और जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो आता है वो होते हैं नॉन पोलर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पोलर सॉल्वेंट में। पोलर से सॉल्वेंट ले लेते हैं अपन H2O। H2O का म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो H2O का जो सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, पोलर। फर्स्ट वाले ग्रुप का देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ए ग्रुप का देखते हैं, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, एमजी 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव। अब यदि अपन कंडक्टिविटी को डाउन द ग्रुप देखते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप कंडक्टिविटी होती है इंक्रीज। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी सीजियम की और सबसे कम होगी लिथियम की। इसी प्रकार सेकंड वाले ग्रुप में भी बेरियम की सबसे ज्यादा होगी और बेरिलियम की होगी सबसे कम कंडक्टिविटी। और ये कौन से सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं अपन, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब अपन देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, जैसे CCl4, CCl4, CCl4 का म्यू होता है जीरो। तो जो CCl4 का सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। सेकंड ए ग्रुप का देखते हैं, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, एमजी 2 पॉजिटिव, सीए 2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव, BA 2 पॉजिटिव। यदि कंडक्टिविटी अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखते हैं, यदि अपन कंडक्टिविटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखते हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनकी कंडक्टिविटी होती है डिक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, समूह में नीचे जाने पर कम होती है।
डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी लिथियम की और सबसे कम होगी सीजियम की, और सेकंड वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी बेरिलियम की और सबसे कम होगी बेरियम की। तो ऑर्डर कैसे समझ जाएगा?